आईपीएल 2019 चेन्नई के कोच ने कहा सभी टीमों और सीएसके में सारा फर्क इस बात का रहेगा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे चैनल पर। दोस्तों आईपीएल 2019 की जब शुरुआत होगी तो एक बार फिर सभी की नजरें चेन्नई सुपर किंग्स के ऊपर टिकी होगी, क्योंकि धोनी इस साल चेन्नई की 10वीं साल कप्तानी करेंगे। यह टीम पिछले बार की चैंपियन भी रही थी। दूसरी तरफ भारतीय टीम मैनेजमेंट भले ही विश्व कप में महेंद्र सिंह धोनी को नंबर 5 पर उतारने का विचार कर रही हो, परंतु चेन्नई सुपर किंग्स के कोच स्टीवन फ्लेमिंग ने कुछ और ही कहा है। स्टीवन फ्लेमिंग ने चेन्नई सुपर किंग्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि धोनी ने पिछले साल नंबर 4 पर बल्लेबाजी की थी, परंतु हम लचीलापन रखेंगे। उन्होंने कहा कि धोनी पिछले 10 महीनों से बेहतरीन फॉर्म गुजर रहे हैं। हमारे पास केदार जाधव के रूप में एक और बेहतरीन खिलाड़ी है और हम अपनी बल्लेबाजी क्रम में काफी खुश हैं। केदार जाधव ने पिछले साल पहला मैच खेला था और उसके बाद मांसपेशियों के चोट की वजह से 6 महीने तक नहीं खेल पाए थे। गौरतलब है कि चेन्नई सुपर किंग्स की टीम के अधिकतर खिलाड़ियों की उम्र 30 साल से ज्यादा है, परंतु फ्लेमिंग ने कहा कि सारा फर्क मानसिकता से पैदा होता है। पिछले साल चेन्नई की वापसी के साथ चैंपियन बनने के बारे में उन्होंने कहा कि जीत का सारा श्रेय मानसिकता, टीम का माहौल और टीम के संतुलन को जाता है। उन्होंने ये भी कहा, यदि आप दूसरी टीमों को देखते हो तो आप अपने अच्छे और बुरे चीजों को पहचान कर पाते हो और प्रत्येक टीम के शानदार खिलाड़ी हैं। बस फर्क मानसिकता, टीम का माहौल और महत्वपूर्ण समय पर मैच जीतने का होता है। आपको बता दें कि आईपीएल 2019 की शुरुआत 23 मार्च से होने जा रही है। इसका पहला मैच विराट कोहली की कप्तानी वाली रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और महेंद्र सिंह की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने जा रहा है। सभी फैंस को उस मैच का इंतजार है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि इस बार का आईपीएल चैंपियन कौन होगा? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और आगे भी ऐसी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम हर रोज ऐसी खबरें आपके लिए लाते रहते हैं। धन्यवाद।